पानीपत में साइबर क्राइम पुलिस की टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। जी हां, पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह की अगुवाई में कार्रवाई करते हुए टीम ने फर्जी वेबसाइट पर ऐप डाउनलोड करवाकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर दो आरोपियों को राजस्थान से काबू किया है। गिरफ्तार दोनों आरोपी राजस्थान के गिडवान जिला के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 लैपटॉप और 10 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। वहीं आरोपी काफी समय से फर्जी वेबसाइट और ऐप के जरिए लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम देने में सक्रिय थे। महिला के साथ फ्रॉड होता है, उसके खाते से 50,000 रुपए ट्रांजेक्ट हो जाते हैं और वो महिला हमारे यहाँ साइबर क्राइम थाने में शिकायत करती है, तो उसके ऊपर FIR दर्ज करते हैं और फिर टेक्निकल आधार पर जो SMS उसके पास आए थे उसके आधार पर हमारी टीम ने 2 लड़कों को गिरफ्तार किया। 20 तारीख को गिरफ्तार किया था अंकुश जांगिड़ नाम के लड़के को, जिससे 1 लैपटॉप और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। ये 2 दिन के पुलिस रिमांड पर था हमारे पास और आज इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। दूसरा लड़का अखिलेश नाम का था जो 22 तारीख को गिरफ्तार किया था, उसके कब्जे से उसको गिरफ्तार किया हमने जयपुर से और 8 मोबाइल फोन और 3 लैपटॉप इससे बरामद हुए थे। ये लोग SMS के माध्यम से लोगों को चीट करते थे, ये प्रलोभन देते थे कि आपको सस्ता सामान मिलेगा, तो ये एक ऐप डाउनलोड करवा देते थे। गौरतलब है कि दोनों आरोपियों से पूछताछ में कई और खुलासे भी हुए हैं। पुलिस ने सोमवार को आरोपी अखिलेश को कोर्ट में पेश कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। वहीं आरोपी अंकुश का 2 दिन का रिमांड पूरा होने पर कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। सूर्य समाचार के लिए पानीपत से सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट। पानीपत में साइबर क्राइम पुलिस की टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। जी हां, पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह की अगुवाई में कार्रवाई करते हुए टीम ने फर्जी वेबसाइट पर ऐप डाउनलोड करवाकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर 2 आरोपियों को राजस्थान से काबू किया है। गिरफ्तार दोनों आरोपी राजस्थान के गिडवान जिला के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 लैपटॉप और 10 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। वहीं आरोपी काफी समय से फर्जी वेबसाइट और ऐप के जरिए लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम देने में सक्रिय थे। महिला के साथ फ्रॉड होता है, उसके खाते से 50,000 रुपए ट्रांजेक्ट हो जाते हैं और वो महिला हमारे यहाँ साइबर क्राइम थाने में शिकायत करती है, तो उसके ऊपर FIR दर्ज करते हैं और फिर टेक्निकल आधार पर जो SMS उसके पास आए थे उसके आधार पर हमारी टीम ने 2 लड़कों को गिरफ्तार किया। 20 तारीख को गिरफ्तार किया था अंकुश जांगिड़ नाम के लड़के को, जिससे 1 लैपटॉप और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। ये 2 दिन के पुलिस रिमांड पर था हमारे पास और आज इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। दूसरा लड़का अखिलेश नाम का था जो 22 तारीख को गिरफ्तार किया था, उसके कब्जे से उसको गिरफ्तार किया हमने जयपुर से और 8 मोबाइल फोन और 3 लैपटॉप इससे बरामद हुए थे। ये लोग SMS के माध्यम से लोगों को चीट करते थे, ये प्रलोभन देते थे कि आपको सस्ता सामान मिलेगा, तो ये एक ऐप डाउनलोड करवा देते थे। गौरतलब है कि दोनों आरोपियों से पूछताछ में कई और खुलासे भी हुए हैं। पुलिस ने सोमवार को आरोपी अखिलेश को कोर्ट में पेश कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। वहीं आरोपी अंकुश का 2 दिन का रिमांड पूरा होने पर कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। सूर्य समाचार के लिए पानीपत से सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट।